ऐसा लगता है हम दोनों की सोच ही गई सोच ही गई। चलो यार बड़ी गर्मी हो रही है, बहुत थक गए हम लोग आज तो बहुत। चलो ये तो इतनी खुशी है कि चलो आज हम टाइम पे घर पहुंच गए अपने। क्या कर रहे होंगे हमारे बेटे, अरे पापा जी आ गए आप। प्रणाम बोजी, प्रणाम पाजी। चलो बैग में ले हमारा। बच्चों ने घर तो बहुत अच्छा बना रखा है, वाह तारीफ है। अरे अरे बेटा जरा थोड़ा थोड़ा पानी ला दो यार, बहुत गर्म हो रहा है बाहर। कैसे लोगे पानी के लिए? अरे बोल रखा है अभी बेटे को लेकर आ रहा हूँ। आ जाएगा कोई बात नहीं। घर तो बहुत ही बढ़िया बना रखा है, अच्छा लग रहा है। इससे बढ़िया दिल्ली में इतना बड़ा मकान बना रखा है, 3 मंजिला बना रखा है। कंचू तो अभी है नहीं है। अरे बेटा तुम ला रहे हो पानी, कंचू कहाँ गई? अरे फ्रिज होगा, लेकिन ये सोचा कि अब फ्रिज क्या पता लाइट जा रखी हो। हेलो कोई बात नहीं, अब कोई बात नहीं, पी लो पानी। और बताओ अब पानी से ही पेट भरना पड़ेगा कि कुछ और भी मिलेगा? आपको आने में कोई दिक्कत तो नहीं हुई? अरे बेटा दिक्कत तो नहीं हुई कोई आने में, लेकिन गर्म बहुत हो रहा है बाहर, बहुत ज्यादा। तुम्हारे घर में एसी नहीं है बेटा? वो ही लाइट है नहीं, आवाज सबसे बड़ा है। अरे बेटा कंचू कहाँ गई? कंचू दिखाई नहीं दे रही कहीं। बुआ जी कंचू तो मार्केट गई है अभी। अबे यार कंचू की तो तबीयत खराब है। अच्छा मार्केट गई है, अच्छा बेटा। अच्छा इसी बात पे मुझे एक बात याद आई अपने दिनों की। एक बार मैं गया था मार्केट, क्या दिन थे वो भी। रहने दो तुम भी, वो कहानी तो भूल ही जाओ, बहुत। अरे तो क्या हो गया, वो दिन भी क्या दिन थे जब अपने जमाने में हम कैसे थे वो अब गए। मेरी सास भी ना क्या बताऊं, क्या थी इतनी लड़की थी से क्या बताऊं। काश पूछ रहा सासू माँ काश क्या? इतनी लंबी सांस लेकर आप कह रही है काश, क्या मैं जानती नहीं आप यही कि अगर मैं आपकी बहू नहीं होती तो कितना अच्छा होता, या फिर तू पैदा ही नहीं होती। ऐसा क्या कहती है आप सासू माँ? मेरा तो जन्म ही आपके लिए हुआ है, आपकी सेवा करने के लिए, आपकी देखभाल करने के लिए, चुपचाप आपके ताने सुनने के लिए। काश कि मैं ऐसा जवाब देती, लेकिन आपको पता है मेरा जवाब क्या है? होगा कोई हमेशा की तरह उल्टा जवाब।
पर अब सुन लेती चुपचाप। मैं क्यों सुन लेती, मैं तेरी सास हूँ। काश ये आप समझ गई, मेरी सासू माँ नहीं होती। देखा सासू माँ, हम दोनों एक दूसरे को कितनी समझने लगी है। हाँ? तेरे दिल की बात मैंने कही, मेरे दिल की बात तूने कही। हाँ, जैसे कि हम दोनों की सोच एक हो गई हो। अब मेरी तरफ देखकर बता कि मैं क्या सोच रही हूँ। आपका ये एक्सप्रेशन तो मुझे बराबर मालूम है। आप सोच रही है ऐसे इसका मर्डर कर दूं, पकड़ी भी ना जाओ। आप बताइए मैं क्या सोच रही हूँ। तू कुछ नहीं सोच रही है, हमेशा की तरह ब्लैंक है। दरवाजा तू जाकर खोलती है, मैं खोलूं? मैं तो ब्लैंक हूँ, मुझे कैसे बेल सुनाई देगी? सुनाई दी ना, देख देख वापस बजी। नहीं बजी। बजी? नहीं बजी। अरे बजी ना। नहीं बजी। राधा माँ दरवाजा खोलो। इतनी देर से बेल बजा रहा हूँ, दरवाजा क्यों नहीं खोला? मुझे क्या मालूम था कि आप बेल बजा रहे हैं। हाँ ये समझी होगी, होगा कोई सास का रिश्तेदार। तो ये आपके रिश्तेदारी तो है। हाँ, इसी एक रिश्ते की वजह से पता नहीं मुझे क्या क्या रिश्ते जोड़ने पड़ रहे हैं। राधा मुझे लगता है तुम दोनों कुछ ज्यादा ही बिजी हो, बाद में आता हूँ। तब तक इसे अंदर रख लो। ये आप लाए हैं? हाँ मैं लाया हूँ भाई लिए। लेकिन ये है क्या? ओहो माँ, इसे जार के पुराने जमाने का है ये, राजा महाराजा इसे अपने महलों में रखा करते। महलों में रखी जाने वाली चीज तू यहाँ क्यों लाया है? आप इतना भी नहीं समझती क्या? सजावट के लिए। इसमें क्या रखेंगे? इसमें तू बैठ जा। बता ये लड़का पैसे बर्बाद करना कब छोड़ेगा? आ गई ना अभी धोखा माँ, तेरे 100 रुपए में माँ। इतना सस्ता? तो आप दो क्यों नहीं लाए? दरवाजे के इस तरफ रखने के लिए, एक इस तरफ रखने के लिए, और बीच में तेरा खानदान। बोलो। थी मुझसे मम्मी की बुराई मैं नहीं कर सकती यार, मम्मी का डर है। अब बनूंगी मैं बहुत जवान दादी, जवान दादी बोल। जवान दादी। हाँ जाओ सूट पहन के आओ। अच्छा अभी आपने बोला था चेंज करने में, नहीं नहीं अब बचाओ चेंज कर। बोल लो कुछ, ये बैकग्राउंड सीन चल रहा है हमारा। आओ कंचू तो अभी है नहीं यहाँ। अरे बेटा तुम ला रहे हो पानी, कंचू कहाँ गई? कंचू तो है नहीं यहाँ पर, पानी पानी नीचे करो ना थोड़ा। गिलास चल यार चुप रहे। ठीक था तुम क्या ये पास करो ना। पास करो बोलो। हमारी ऐसी कैसी हो रही है आपके लिए? बोलो क्या बोल रहे?
अरे तुम्हारे ना बेटा कंचू कहाँ गई? तुमको तो बना रहे ढंग से बनाओ ना। टेढ़ा क्यों कर रहे हो ऐसे?